अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ SNS इन्फोजोन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपको विज़िट करवाने जा रही हूँ स्पाइस अरीना का। बहुत नाम सुना है इस रेस्टोरेंट का, तो हमने आज सोचा इसका विज़िट करते हैं। हम मेन गेट से एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे आउट क्लास किस्म की डेकोरेशन है। व्यूवर्स, बहुत ही ज़बरदस्त इन्वायरमेंट था यहाँ पर, बहुत रश था यहाँ पर। व्यूवर्स, एंटर होते ही एक साइड पे किड्स प्लेलैंड बनाया गया है, बच्चे खूब इंजॉय करते हैं यहाँ आकर। और यहाँ पर एक साइड पे आउटडोर सीटिंग है जिसका अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह। फ्रेंड्स, ये कोई आम रेस्टोरेंट नहीं है, ये बहुत ही आउट क्लास किस्म का रेस्टोरेंट बनाया गया है और बहुत ही एक्सपेंसिव भी है। यहाँ की एक एक चीज़ बहुत ही खूबसूरती से बनाई गई है। आउटडोर में यहाँ एक स्वीट बार भी है, हमने यहाँ से ब्राउनी एंड रेड वेलवेट पेस्ट्री ट्राई की जो कि बहुत ही ज़बरदस्त थी माशाल्लाह। चलिए आपको बाकी आउटडोर का विज़िट करवाती हूँ। हम लोग चाहते थे कि हमें आउटडोर में ही सिटिंग मिल जाए, लेकिन व्यूवर्स यहाँ इतना रश था कि हमें जस्ट अपनी टेबल बुक करवाने के लिए ही 2 आवर्स का वेट करना पड़ा। और यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर ही इनका ओपन किचन भी था जहाँ पे बारबेक्यू एंड ग्रिल वगैरह तैयार किया जा रहा था। अभी तक कोई टेबल फ्री नहीं हुई थी तो बच्चे सब यहाँ पे प्ले एरिया में प्ले करने के लिए आ गए थे। बच्चों ने तो खूब इंजॉय किया। तो चलिए मैं आपको इंडोर विजिट करवाती हूँ। व्यूअर्स, यहाँ की एंट्रेंस से ऐसे लगता है जैसे हम किसी मुगलिया दौर के किसी किले में एंटर हो रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत डेकोर किया है। अब हम चलते हैं रूफ टॉप की तरफ। फाइनली आफ्टर 2 आवर्स हमें हमारी टेबल मिल चुकी थी। जैसे ही हम ऊपर पहुँचे, यहाँ पे ऑलरेडी एक और बर्थडे सेलिब्रेशन की प्रिपरेशन की गई थी। बेसिकली हम भी यहाँ पर एक बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए ही आए थे। बट दिस इज़ नॉट आवर केक। हमारा केक मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। अभी मैं आपको रूफ टॉप से नीचे ग्राउंड फ्लोर का सारा व्यू चेक करवाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त लग रहा था रूफ टॉप से नीचे ग्राउंड फ्लोर का एरिया, सिटिंग एरिया। फ्रेंड्स, स्पाइस अरीना के एक्चुअली 2 गेट्स हैं। एक गेट इसका मेन फिरोजपुर रोड पे है और एक गेट इसका पाम सिटी के अंदर से है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि इससे हमें और कोई फ़ायदा नहीं होता है, जस्ट आपकी अप्रिसिएशन का पता चलता है कि आपको हमारा वर्क कैसा लग रहा है। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, एंड कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। ये जस्ट हमारे लिए एक अप्रिसिएशन होती है आपकी तरफ से और हम लोगों में और जोश और जज्बा पैदा होता है कि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं। सो हम लोग बैठ चुके थे टेबल पे एंड मेन्यू का वेट किया। मेन्यू आया, हम लोगों ने ऑर्डर किया। सबसे पहले हमने सॉफ्ट ड्रिंक एंड फ्राइज ऑर्डर की। देन हम लोगों ने ऊपर रूफ टॉप का थोड़ा सा और विज़िट किया और हमें एक और बर्थडे सेलिब्रेशन नज़र आई यहाँ पर, हमने उसको भी थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। चलिए जी, हम अपनी टेबल पे वापस चलते हैं। हमारा खाना आ चुका था। हम लोगों ने मटन कढ़ाही और चिकन चीज़ कबाब, इसके अलावा चाइनीज फ्राइड राइस, चिकन मंचूरियन एंड मटन पुलाव ऑर्डर किया था। आउटस्टैंडिंग गाइस, आउटस्टैंडिंग टेस्ट था यहाँ का, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। सो वी हैव डन आवर डिनर एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर केक कटिंग। तो यहाँ हमारा केक और हमारी बर्थडे गर्ल आ चुकी थी। बर्थडे गर्ल ने केक कट किया एंड गिफ्ट रिसीव किए।
तो चलिए गाइस जब हम वापस चलते हैं। सो आई रिकमेंड अगर आप यहाँ पे विजिट करें तो यहाँ की मटन कढ़ाई बहुत आउट क्लास किस्म की है, वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इन्जॉय किया गाइस हमने, होप सो आपने भी हमारे साथ इन्जॉय किया होगा। अब हम चलते हैं वापस। व्यूवर्स ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।